छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव के बाद अब नतीजों का इंतजार है। 4 जून को ईवीएम खुलेंगे और प्रत्याशियों की किस्मत का ताला भी। ऐसे में मतगणना को लेकर राजनीतिक पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। विश्वास पात्र कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे काउंटिंग के समय कोई गड़बड़ी ना हो। आखिर प्रशिक्षण में क्या कुछ होगा विशेष, देखिए रिपोर्ट उस पर। देश भर में 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। प्रदेश की 11 सीटों का फैसला आएगा। इससे पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। कार्यकर्ताओं को काउंटिंग के लिए प्रशिक्षण देने की कवायद की जा रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं को तकनीक के साथ ही रणनीतियों की जानकारी भी दी जाएगी, जिससे काउंटिंग के दौरान कार्यकर्ता सावधानी बरत सकें। अब इसमें जो मतगणना के समय जितनी भी सावधानी बरतनी रहती है, उसके जो ईवीएम मशीनें हैं उसको खोलने से लेकर के उसकी सील की चेक करने, काउंटिंग का रिकॉर्ड रखने, विभिन्न सारी जो महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी है, इन तकनीकी जानकारियों को ही प्रशिक्षण के रूप में हमारे जो मतगणना एजेंट होते हैं, अभिकर्ता होते हैं, उस तक हम लोग प्रशिक्षण के तौर पर सभी हमारे जो मतगणना कार्य में लगने वाले जो कार्यकर्तागण हैं उनको पूरी जानकारी। आने वाले दिनों में प्रशिक्षण का दौर शुरू होगा, जिसमें सभी लोकसभा क्षेत्रों में किस तरह से नजर रखी जाए, इसके साथ ही कहीं गड़बड़ी होने की स्थिति में कैसे शिकायत की जाए, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। तो समझ लीजिए नतीजों से पहले राजनीतिक पार्टियों की मास्टर क्लास क्या कुछ समझा रही हैं। दरअसल काउंटिंग को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही है। विवाद की स्थिति से निपटने की जानकारी दी जा रही है, क्योंकि काउंटिंग टेबल पर विश्वास पात्र कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाना है। देश भर में ईवीएम पर राजनीतिक पार्टियां सवाल खड़ा करते रही हैं। ऐसे में पार्टियां कोई भी चूक नहीं करना चाहती। यही वजह है कि कार्यकर्ताओं की मास्टर क्लास लगाकर काउंटिंग की बारीकियां समझने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी भी आने वाले दिनों में कार्यकर्ताओं को काउंटिंग के लिए तैयार करती नजर आएगी, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगना है। पीएम मोदी को देश की जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनने वाली है। देखिए, चुनाव की दृष्टि से हर राजनीतिक दल अपनी तैयारियां करते हैं। कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही होगी, पर प्रदेश की जनता ने अपना मत दे दिया है और जो रुझान और जो जानकारी निकल कर आई है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, कांग्रेस शून्य पे आउट होने वाली है। तो काउंटिंग के पहले कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की तैयारी में है, जिसमें बड़े बड़े नेता कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते हुए नजर आएंगे। हालांकि कार्यकर्ताओं को पार्टियों के प्रशिक्षण से कितना फायदा होगा ये तो 4 जून को पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।